मु शक्ति प्रसाद मो चैनल ओडिया एग्नो क्लासेस को समस्त स्वागत। आज आम खोर्धार जन विप्लवी जयराज गुरु तांग विषय जानवा समय नष्ट नक चलत भिडियोटी आम स्टार्ट करवा। जयकृष्ण राजगुरु महापात्र जयराज गुरु भाव जनाशुना ओडिशा राज्यर भारतीय स्वाधीनता आंदोलन जन से प्रमुख व्यक्ति थे। खोर्धा राज्यर दरबार जे पुरोहित राजगुरु थे। से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विरुद्ध विद्रोह करते ब्रिटिश नियंत्रित प्रदेश को पुनः उद्धार करने मराठा मान सहयोग करते बेले जड़े मराठा दूत ब्रिटिश द्वारा धरा पड़ते। राजगुरु गुप्त रणनीति प्रकाश पाई राजा दरबार हटाबार विफल होगा पर ब्रिटिश सैन्य दल खोर्धा दुर्ग उपर आक्रमण कर राजगुरु को काबू करते। जयराजगुरु 29 अक्टोबर 1748 मसीह जन्म होते पूरी निकट में बरे कृष्णपुर पिता थे चंद्रराजगुरु माता थे हरमणि देवी। से थे जड़े राजकीय पुरोहित तो सेनाध्यक्ष तथा खोर्धा राजा गजपति मुकुंददेव प्रकृत प्रशासनिक प्रतिनिधि। से थे लिखित तो इतिहास ब्रिटिश मान विरुद्ध भारत प्रथम शहीद। अवश्य यह बिवादीय कारण से मुख्यतः भाव निजर राजा को बचाई एवं निजर साम्राज्य को ब्रिटिश मान रक्षा करने से आंदोलन करते शहीद होते। अवश्य पर बक्सी जगबंधु अधीन पाइक विद्रोह ब्रिटिश मान विरुद्ध ओडिया मध्यम प्रथम विद्रोह बेचना कराए। जयराजगुरु जेजे जेकि गदाधर राजगुरु परी पराक्रमी थे और संस्कृत बहुत विद्वान थे और 1780 मसीह 41 वर्ष बेलू से गजपति दिव्यसिंह देवंर मुख्यमंत्री रूपे काम करते आजीवन रूपे से खोर्धा राज्य को रक्षा करे प्रतिश्रुति नहीं एवं गजपति मुकुंददेव राजपुरोहित से थे। 1779 मसीह बड़म्मागढ़ ठारे खोर्धा राजा और जानुजी भंसला युद्ध होता जो युद्ध खोर्धार तत्कालीन सेनापति नरसिंह राजगुरु मृत्यु होता। तापर जयराजगुरु खोर्धार कमाण समाणी थे और मृत्यु पर्यंत से कार्य से तुलाई थे। युद्ध समय दुर्बल प्रशासन सुजोग नहीं खोर्धा लोकों ऊपर वर्गीस मैंने आक्रमण करते देशप्रेमी राजगुरु प्रति असहिष्णु थी। से पाइक मानकर नैतिक शक्ति को उत्साहित करने व्यक्तिगत भाव गाँव रु गाँ जातायात कर सामरिक अभ्यास तथा अस्त्रशस्त्र तालीम देते। खोर्धा राजा मुख्य समस्या 1757 मसीह आरंभ होता जितेबाला ब्रिटिश मैंने पलासी युद्ध जीति ओडिशार बंगला बिहार और मेदिनापुर प्रदेश से मैंने शासन कले। 1665 से मैंने पारसी और हायद्राबाद निजाम को आंध्र प्रदेश एक विस्तृत अंचल दखल कले। से मैंने गंजाम खोर्धा पर्यटन एक दुर्ग निर्माण करते। गंजाम और मेदिनापुर मध्य परिवहन उद्देश्य से मैंने खोर्धा राजा विश्वासघातकता भाई श्याम सुंदर देवों साहय 1798 मसीह खोर्धा उपर आक्रमण करते। एपरिक खोर्धार राजा गजपति दिव्यसिंह देवों आकस्मिक मृत्यु हो जाता तथापि ब्रिटिश मैंने सफल हो पार नए कारण जयराजगुरु से एड़ाई राजगुरु मुकुंददेव द्वितीय को समर्थन कर खोर्धार राजा रूपे घोषित करते। गंजाम जिलार मजिस्ट्रेट कर्णेल हारकोट खोर्धार राजा सह गंजाम और बालेश्वर जोजोग एक चुक्ति करते राजी होते जे ब्रिटिश मैंने राजा को क्षतिपूरण देवाई 1,00,000 टा देवे और 1760 मसीह मराठा अधीन या चारोटी प्रगणा को फेरस्त करेंगे। किंतु से मैंने उभय मार्ग से प्रतारणा करते उभय को पाइबापी राजगुरु चेष्टा करते विफल होते। 1803-4 मसीह 2000 सशस्त्र पाइकों सहित कटक को जा टा संग्रह करते कि मात्र 40,000 पाउणा दि जाता और प्रगणा कि मिल ना। इंग्रेज मान प्रतारणा परिपूर्ण जो राजगुरु रागरे परिपूर्ण हो सैन्य बाहन को पुनः सज्जित कले एवं ब्रिटिश मान राज्य और देश बाहर करदे उद्देश्य चारोटी प्रगणा को निजे दखल कले कि ब्रिटिश मैंने खोर्धा को जबरदखल करने को चेष्टा कले। फलस्वरूप सेप्टेम्बर 1804 खोर्धार राजा जगन्नाथ मंदिर पारंपरिक अधिकार वंचित होते जहाँकि राज्य तथा ओडिशार लोकों पर एक बड़ धक्का थी। सर्वशेष खोर्धा और ब्रिटिश मध्य ऐतिहासिक युद्ध होता दीर्घ समय धरी संग्राम जारी रहा और राजगुरु को खोर्धा दुर्ग गिरफ्त कर बारबाटी दुर्ग को निया जयराजगुरु समस्त चेष्टा असफल होता किंतु परिशेष मुकुंददेव द्वितीय को जनवरी 3, 1805 गिरफ्त कर
ତାପରେ ରାଜଗୁରୁ ଓ ରାଜାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରେ କାଳେ ଅଧିକ ହିଂସା ହେବ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ କଟକରୁ ମେଦିନାପୁର ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜେଲ୍ରୁ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ ପତ୍ରକୁ ନେଇ ବିଚାର କରି ବ୍ରିଟିଶ ପରାମର୍ଶଦାତାମାନେ ମୁକୁନ୍ଦଦେବଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ପୁରୀକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, କାହିଁକି ସେନା ସେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ 6 ଡିସେମ୍ବର 1806 ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାହକାରୀମାନେ ଗୋଡ଼କୁ ଏକ ଗଛର ବିପର୍ଯ୍ୟ ଶାଖାରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ଓ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କର ମହାନ ବଳିଦାନ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଜି ବି ସେ ସ୍ମରଣୀୟ। ଏହିପରି ପୁଣି ମୁଁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ତ୍ୟାଗୀ ବଳିଷ୍ଠ ବୀରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।